हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50 to 60,000 में। इसका नाम है Acer Aspire 7। Acer मार्केट में सबसे पहले तैयार हो चुका है Ryzen 5 जनरेशन का प्रोसेसर लेके। Acer ने पूरा तहलका मचा दिया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, स्क्रीन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेक्नोग्राफर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ, इस वीडियो का फाइनल पार्ट बिल्कुल भी मत मिस करना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्क्रीन की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है आपको। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल मिलता है 45% NTSC कलर गैमेट के साथ। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। बेजल्स की बात करें तो बेजल्स आपको बहुत ही पतले मिल जाते हैं। ऊपर आपको 720p का वेबकैम मिल जाता है। आपको चिन एवरेज साइज की मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आपको पूरी मेटेलिक फिनिश मिल जाती है। ऊपर आपको लिड पे Acer की ब्रांडिंग मिल जाती है और जब भी आप लिड ओपन करते हो तब आपको सामने एक बहुत ही प्यारी BIOS की ब्रांडिंग मिलती है जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये बॉडी पूरी फाइबर की बनी हुई है। वैसे लैपटॉप यूज करने में बहुत ही स्टर्डी लगता है। इस लैपटॉप का वेट 2.15 kg है जो कि लाइट वेट लैपटॉप तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Ryzen 5 5th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है 5500U जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 5th जनरेशन का ये पहला लैपटॉप होगा इस प्राइस सेगमेंट में। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है जिसकी TDP 15 वॉट है। ये एक U सीरीज का प्रोसेसर है। U सीरीज का प्रोसेसर कम से कम पावर में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया जाता है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.1 गीगाहर्ट्ज जो जाती है 4 गीगाहर्ट्ज तक। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे आधारित है तो बहुत कम पावर यूज करता है और मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस डिलीवर करता है ये आपको। इसमें रेडियन 7 के इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड यूज किया जाता है जो कि डेडिकेटेड 2 GB VRAM के साथ आते हैं। जीपीयू की बात करें तो इसमें NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है 4 GB के DDR6 VRAM के साथ। ये दोनों जीपीयू और सीपीयू की जोड़ी आपको आराम से 2018 के पहले के AAA टाइटल्स हाई सेटिंग पे चला देगा जैसे कि GTA 5 हो गया, Shadow of the Tomb Raider हो गया। और 2018 के बाद के AAA टाइटल्स आपको लो से मीडियम ग्राफिक्स पे आराम से चला देगा। कीबोर्ड की बात करें तो आपको फुल साइज बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिलता है। व्हाइट कलर की बैकलिट कीबोर्ड होने के कारण इसे बहुत ही प्रोफेशनल और क्लीन लुक मिलता है। ये कीबोर्ड में आपको डेडिकेटेड नंबर पैड भी मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 8 GB DDR4 RAM मिलती है जो कि आप 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। इसमें आपको डुअल मेमोरी का स्लॉट मिलता है, यानी आपको अगर 32 GB रैम करनी हो तो एक 8 GB की स्टिक निकाल के आपको दो 16 GB की स्टिक यूज करनी पड़ेगी 32 GB रैम करने के लिए। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 512 GB PCIe 3rd gen NVMe SSD मिलती है जो कि लेटेस्ट SSD है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में किंगस्टन लॉक मिलता है, LAN पोर्ट मिलता है, उसके बाजू में आपको HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है जो कि डायरेक्टली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कनेक्टेड है। आपको Type-C का पोर्ट मिलता है। आपको दो USB के 3.2 के Type-A पोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक में आपको 24x7 करंट मिलेगा जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो केबल लगा के। राइट साइड में आपको DCN का पोर्ट मिलता है, USB 2.0 का पोर्ट मिलता है और एक 3.5mm जैक का पोर्ट मिलता है और उसके बाजू में आपको एक वेंट मिलता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 3 सेल 48 Wh की बैटरी मिलती है। कंपनी 10 आवर का बैटरी बैकअप क्लेम करती है बट मेरे हिसाब से ये 5 से 6 घंटा आपको आराम से निकाल के देगा नॉर्मल यूज़ पे। इसमें आपको 135 W का पावर अडेप्टर मिलता है जो कि मैं फास्ट चार्जिंग नहीं बोल सकता, ये एक नॉर्मल चार्जिंग पावर अडाप्टर है जो 1 से 1.5 घंटे में आपका लैपटॉप पूरा चार्ज कर देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें डुअल चैनल वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है आपको और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है दोनों में। सो बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो ये लैपटॉप टोटली मल्टीटास्किंग के लिए बना है। रोजमर्रा के काम ये आपके आराम से कर देगा, चाहे वो एडिटिंग हो गई 1080p की या कोडिंग हो गई या हल्के फुल्के गेम्स खेल लिए जैसे GTA 5 हो गया, शैडो ऑफ द टूम रेडर हो गया। ये मीडियम टू हाई सेटिंग्स में आराम से चला लेगा और नए AAA टाइटल्स जो है लो टू मीडियम सेटिंग्स में आराम से चला देगा। ये लैपटॉप प्रोफेशनल के लिए भी सूट होता है क्योंकि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड है जो कि इसको प्रोफेशनल लुक देता है। ये लैपटॉप स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप दोनों कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो एज वेल एज गेमिंग भी कर सकते हो साथ में आप। सो ये लैपटॉप परफेक्ट है। सो दिस वाज इट दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, सजेशन हो तो बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।